मतलब बचाव के लिए सही है। जंगल आया, रास्ता भुला गया। अबे आइए इधर, आपको एक चाचा समझवाते हैं जो हमको रास्ता बताने में हेल्प करेंगे। झरना जाता है वो रास्ता। वो वाला रास्ता किधर से है? एक जन बोलना, यही वाला चढ़ना। देखिए यही चाचा हम लोग को रास्ता बता रहे हैं। वो बसरिया लंग चाहिए, बसरिया वाला आगे, बसरिया ये बसरिया लंग सीधे जाएगा। कितना ऊपर? ये वाला नहीं है, अम्मा का पेड़ वाला नहीं है। मैं तो यहाँ बता रहा है, यही वाला में भी है। ये वाला हम तो अभी इधर जाने पड़े, ये बता रहा है भाई। बस से जाए अम्मा का छका उस साइड होगा, बस खाली ऊपर चढ़ना है ना, ऊपर चढ़ के नीचे ना बना है बस। सांप का डर यही वाला रास्ता नहीं, आगे जाके कटना होता है। आगे जाके कटना, आगे जाके आम गाछ होगा, आम गाछ होगा तो आगे जाके आगे गड्ढा के पास। हाँ गड्ढा पास, हाँ उधर रास्ता है, उसके बाद राइट साइड से इधर रास्ता है। हाँ तो बसरिया साइड करते हुए यहाँ पर रास्ता बताते हुए अंकल जी, थैंक यू, बोले धन्यवाद अंकल जी आप रास्ता बताते हुए। रास्ता मिल गया, जा रहे अब झरना की ओर, अब चलिए आगे दिखाते हैं रास्ता। हमारे एक अभी दोस्त है, उसके भाई आए थे यहाँ पे, उससे भी पूछ रहा है रास्ता। हम लोग ज्यादातर ऊपर आ ही गए हैं। रास्ता मिल गया, यही रास्ता। चलिए रास्ता मिल गया है, अब सही रास्ते पे हम लोग आ गए हैं। आपको कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा, अब लग रहा है हम लोग पहुँच जाएंगे मंजिल में है। लेकिन हम लोग अभी झरना के मंजिल के करीब में है, अभी आगे देखिए होता क्या है। देखो अबे वो रास्ता था ना, वो थोड़ा देख घूम के था। हाँ। हम लोग जिधर से आए डायरेक्ट शॉर्ट था, भले इधर जंगल है लेकिन आप लोग किधर से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अच्छा से बहुत फिसलन पत्थर है। हमारे गुरु जी आगे आगे चल रहे हैं। प्लीज तानवीर जी, अगर आप लोग इधर आना चाहते तो यहाँ पे हल्ला नहीं कीजिएगा, कहे की जंगल है, कुछ कहाँ नहीं जा सकता, कहाँ पे क्या हो। हमने अभी एक जानवर को दौड़ते हुए देखा, पता नहीं वो कौन जानवर था, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा हल्ला नहीं करते हुए। देखिए कीड़ा भी है। ये देखिए मेहंदी का पेड़ है, कुछ रुक उधर रुक। चल आप लोग जैसे कि सुन सकते हैं यहाँ पे झरना का आवाज़ आ रहा है, उतना क्लियर आप लोगों को नहीं आ रहा हो लेकिन फिर भी आ रहा है, ध्यान से अगर सुने तो आएगा, ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं हमारे सामने। ये हमारे बीच कुछ ज्यादा ज्ञान ही दे रहे हैं। और ये हेलमेट पहन लिए हैं, मतलब बचाव के लिए चाहिए। देख रहे हैं इधर आप जान रहे हैं, देखिए कीड़ा है, ये कीड़ा इस साइड आ गया, देखिए देखिए मकड़ी, ये सबसे दूर ही रहे तो अच्छा है। पता नहीं जंगल का क्या क्या अंदाज है। अब आप लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग नदी ढूंढ लिए हैं, अब हम लोग नदी का साइड साइड से जाएंगे और झरना को खोजना है, ठीक है। अब देखते हैं झरना मिलता है या नहीं मिलता, तो चलिए चलते हैं। अबे ये रास्ता है भाई, इधर आना। अब सही रास्ता थोड़ा मिल गया है। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग ये रास्ता कितना खतरनाक है, देख सकते हैं काफी साइड साइड से बना हुआ है, देख रहे हैं ये पहाड़ का जैसा है, थोड़ा सा मिस्टेक बंदा नीचे, इसलिए आराम आराम से हैं। और इधर सभी एक जैसा रास्ता मिलेगा, तो आप लोग सभी एक साथ चले जिससे आप लोग रास्ता खोने से, अगर खोते भी है तो आप लोग सीधा निकल जाएंगे एक साथ। और हाँ इधर आएंगे तो पानी का बोतल साथ में ले आइए, जैसे कि हमें देख रहे हैं बहुत तेज पानी प्यास लग गया, बट पानी खत्म हो गया है, हमारे पास अब पीने के लिए पानी भी नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए आप अगर इधर आते हैं, आप खोए हुए दिखते हैं तो नदी के साथ साथ चलो, आपको रास्ता मिल जाएगा। अरे थार नहीं मानना, आओ जल्दी आओ, आ जा यार। देखिए ये है छुई मुई का पौधा जिसको आप बोलते हैं लजवंती, जो शर्मीली किस्म का पौधा रहता है। आप इसको देखिए टच करते साथ ये मुरझा जाएगा, देख रहे हैं, ये देखिए तभी बंद कर लेते, देख रहे हैं, देख लीजिए जैसे भी आप छुएंगे, देख रहे हैं देखिए बंद हो गया। ये बहुत ही मस्त किस्म का पौधा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कम ऑन बॉय। हम लोग तीनों हार मान लिए थे बट हमारे प्रिंस जी पूरा मंजिल पे ला दिए हैं, इसलिए लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं कभी भी हार मत मानिए, आप जो ठान के निकलते हैं घर से वो आपको करके रहना, क्योंकि हार वही मानता है जिसके बाजुओं में दम नहीं होता एकदम। हमारे बाजुओं में बहुत दम।
पूरा हिला के रख देंगे। ये सब पानी है, वो सब बरसात का पानी नहीं, ये सब घर है जो अपने आप पत्थर से नीचे से निकलता है, जिसे स्रोत बोलते हैं, पानी का स्रोत। यहाँ पे किसी के साथ आए, ग्रुप में आए, तो आप यहाँ पे जो गांव है यहाँ पे बगल में, वहाँ से किसी को भी अपने साथ ले आ सकते, इससे आपको आसानी होगा। ये देख सकते हैं एक और झरना दिख गया हम लोग को, देख रहे हैं जैसे कि इसका चप्पल टूट गया है। आप लोग जैसे कि यहाँ पे आते हैं तो चप्पल पहन के ना आए, या तो जूता है या फिर सब अपने चप्पल पहन के आए जो हाथ में ले ले और देख देख के आराम से चले, और यहाँ पे प्रकृति का साथ कोई खिलवाड़ ना करे। और जैसे कि पकड़ा हुआ थोड़ा ना फैला, यहाँ पे हमने आने का समय देखा एक बिस्किट मिक्सचर वो सब सारे पैकेट पड़े। पहले हम लोग एक झरना पाए थे, वो आप लोगों को क्लियर में दिखा नहीं हो क्योंकि वो ये नदी है उसका अपोजिट साइड में था, हम लोग सोचे इधर भी एक झरना होगा लेकिन आगे जैसे देख रहे उधर से रास्ता है नहीं, और हमें नदी पार करना था लेकिन यहाँ नदी का इतना बहाव है कि हम पार तो नहीं कर सकते हैं, तो अब हमारा रास्ता यहीं तक ख़त्म होता है, अब हम लोग चलते अपने घर की तरफ। अगर आप लोग आए तो गाँव वाले से कोई आदमी या बच्चे को ले लो, बाय बाय। तो चलिए चलते करते हैं।